अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की एक नई वीडियो, और आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं। और यह ब्रेकिंग न्यूज़ जो है ये गर्मियों की छुट्टियों के बारे में है कि गर्मी की छुट्टियों में इजाफ़ा कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी हो गया है। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त न्यूज़ है, क्योंकि बच्चे ऐसी खबर सुनने के लिए बेताब होते हैं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। हाँ, ये 50% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बेसब्री से स्कूल ओपन होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि छुट्टियां बढ़ जाएं, हम मौजे मनाएं और अपना खेल कूद में वक्त गुजारें। पढ़ाई को भी साफ ज़ाहिर है बच्चे टाइम देते होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो छुट्टियों की खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं। तो आज की इस वीडियो में गर्मियों की छुट्टियों में कितना इजाफ़ा हुआ है, उसका जो नोटिफिकेशन हुआ है वो नोटिफिकेशन और सारी तफसील आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है ताकि आप दोस्तों को मज़ीद इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस और इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो गर्मियों की छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया है, ये किस सूबे ने इजाफा किया है वो नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा कि छुट्टियां कितनी हुई हैं और किस सूबे ने छुट्टियां की हैं। ये बात कंफर्म है कि गर्मी की छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन है सिंध गवर्नमेंट का, और सिंध गवर्नमेंट ने गर्मी की छुट्टियों में 15 दिन का मजीद इजाफा कर दिया है। सिंध में तमाम स्कूल जो थे वो 31 जुलाई को ओपन होने थे, तो उन्होंने 15 छुट्टियां मजीद कर दी हैं, और अब सिंध में तमाम तलीमी अदारे जो हैं वो 15 अगस्त को ओपन होंगे। सिंध के अंदर गर्मियों की छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया है, ये नोटिफिकेशन आप दोस्तों के सामने है। फिलहाल सूबा पंजाब में गर्मी की छुट्टियों में कोई इजाफा नहीं किया गया, ये सूबा सिंध का नोटिफिकेशन है, और अब सिंध के तमाम स्कूल 15 अगस्त